नमस्कार छात्रों आज हम सुजान भगत इस पाठ के तीसरे भाग आधा देखने वाले हैं तो इससे पहले हमारा तीसरा भाग जो है वो आधा हो चुका है यानी कि तीसरे भाग में हमने देखे कि बुला की बुलाकी जो है वो ओखली में दाल छाट रही थी और उसी वक्त क्या हो जाती है एक भिक्षक घर के सामने आके भिक्षा मांगने लगता है और वह सोचती है कि इस दाल को छाट लूं और बाद में जाके भिक्षा दे दूं लेकिन उतने में भोला आता है और कहता है अम्मा घर के सामने कोई महात्मा के चिल्ला रहा है उसका रोया दुखी हो जाएगा जल्दी जाके उसे भिक्षा दे दो कह के, के बता देता है तो बुला की कहती है क्या सुजान के गांव सुजान के पैरों में क्या मेहंदी लगा के रखा है क्या वो क्यों जाके नहीं देता इस तरह से वो कह देती है तो कहने के बाद भोला कहता, भोला कहता है कि अभी महंगू बैंक देने आया था हिसाब से सात मना होते हैं लेकिन तोलने के बाद पौने सात मना हो चुके हैं इसलिए मैंने पूरी भरपाई नहीं लिखी है कह के बता देता है तो उस बात को सुन के बुला की कहती है जो काम तुमने किया है वो बहुत अच्छा किया है और इस तरह से दस पाँच बार करोगे तो वो अपने आप बोलती बंद हो जाएगी उसकी और वो चुप हो जाएगा इस तरह से वो कह देती है तो ये सारे बातचीत जो चलते रहते हैं तो क्या हो जाती है वैसे ही द्वार के सामने वो भिक्षुक जो है वो चिल्लाता ही नजर आता है और उसे जाके कोई भिक्षा नहीं नहीं दे रहा था तो उसको देख के सुजान क्या करता है कि सुजान खुद घर में आके आटा कहाँ रखा है क्या के वो बता देता है सुजान सुजान कहता है कहाँ आटा रखा है लाओ मैं ही निकाल कर दे आऊं तुम रानी बनकर बैठो बुलाकी कहती है आटा मैंने मर मर कर पीसा है अनाज दे दो ऐसे मुड़छिरों के लिए पहर रात से उठकर चक्की नहीं चलाती हूँ यानी कि बुलाकी कहती है जब भगवान का काम करने के लिए भगवान का काम करने के लिए तो करने को ही बैठे ही हो क्या घर पर सभी लोग भगवान का ही काम करें क्या तो इस बात को सुनने के बाद सुजान को गुस्सा आता है और कहता है आटा कहाँ पे रखा है लाओ मैं ही निकाल के दे देती हूँ और तुम रानी बनकर बैठो कह के उस उस बुलाकी से कह देता है तो बुलाकी को भी क्या हो गुस्सा आ जाती है तो बुलाकी को भी गुस्सा आ जाती है तो बुलाकी कहती है आटा मैंने मर मर कर पीसा है अनाज दे दो यानी कि अब तो चक्की आ चुके हैं अब के ज़माने में चक्की आ चुके हैं तो बहुत सारे ज्वार या कुछ हमें पीसना है तो चक्की में जाके पीस के क्षण भर में वापस आ जाते हैं लेकिन पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था तो पहले ज़माने में कोई भी रोटी करनी है तो ज्वार को पहले चक्की में पीस यानी कि हर एक के घर में चक्की होती थी तो उस चक्की में एक दिन के लिए जितना आटा चाहिए उतना क्या करते थे औरत लोग सुबह उठकर जल्दी उठकर रात को यानी कि अभी सूरज नहीं निकलता था तभी पहर रात में ही उठ के वो क्या करते थे चक्की पीस के आटा बना लेते थे यानी कि एक दिन के लिए जितना चाहिए उतना आटा बना लेते थे तो इस तरह से ही बुलाकी भी क्या करती है कि घर में ही चक्की पीस के आटा बनाई थी तो वो कहती है गुस्से से आटा मैंने मर मर कर पीसा है तुम क्या कर दो अनाज दे दो ऐसे मुड़छिरों के लिए मैं पहर रात से उठकर चक्की नहीं चलाती हूँ यानी कि इस तरह से भिक्षुक लोगों को भीख देने के लिए मैं बाहर रात उठकर चक्की नहीं चलाती हूं इस तरह से गुस्से से वो कह देती है तो सुजान क्या करता है कि सुजान भंडार घर में गए और एक छोटी सी छबड़ी को जौ से भरे हुए निकले छबड़ी यानी कि यहाँ पे टोकरी टोकरी यानी कि झाबा बुट्टी मकरी भी कहते हैं उसे तो इस तरह से छबड़ी को जौ से भरे हुए निकले जौ भर से कम न था सुजान ने जानबूझकर केवल कर केवल बुला की बोला को छिड़ाने के लिए भिक्षा परंपरा का उल्लंघन किया था तीस पर भी यह दिखाने के लिए कि छबड़ी में बहुत ज्यादा जौ नहीं है वह उसे चुटकी से पकड़े हुए थे चुटकी इतनी बोझ न संभल सकती थी हाथ कांप रहा था एक क्षण विलंब होने से छबड़ी के हाथ से छूट कर गिर पड़ने की संभावना थी सुजान क्या करता है बुलाकी की बात को सुनकर सुजान भंडार घर में चला जाता है और एक छोटी सी छबड़ी लेता है यानी कि टोकरी लेता है और उसमें पूरी तरह से ज्वार भर देता है वो ज्वार कितने थे कि कम से कम एक शेर से ज्यादा थे शेर भर से कम न थे शेर से भी ज़्यादा थे शेर यानी कि यहाँ पे माप लेने की एक साधना यानी कि जैसे कि हम वजन करते हैं तो एक किलो है दो किलो है जिस तरह से बोलते हैं तो उसी तरह से वजन करने की एक साधना है तो शेर भर से कम न था तो सुजान जानबूझकर इस काम को इस तरह से कर लेता है यानी कि वो आज उसने क्या किया है भिक्षा परंपरा का पूरी तरह से उल्लंघन किया है क्यों उल्लंघन किया क्योंकि सुजान केवल बुला की और भोला को छिड़ाने का छिड़ाना था दोनों को छिड़ाना था इसलिए उसने आज इस भिक्षा परंपरा का उल्लंघन को क्या करता है तोड़ देता है और ज्वार को पूरी एक टोकरी भर लेकर आ जाता है तो तीस पर भी यह दिखाने के लिए छबड़ी को इस तरह से हाथ में पकड़ता है कि चुटकी से पकड़े हुए थे यानी कि चुटकी से यानी कि उंगलियों से उसने उसको पकड़ लिया था और लेकिन जो चुटकी इतनी बोझ संभल नहीं सकती थी यानी कि वह ताकतवान नहीं है वह एक भक्त है केवल कामकाज ज़्यादा नहीं करता है तो उसमें ताकत नहीं है तो उसकी चुटकी चुटकी इतनी बोझ संभल न सकती थी तो उसके हाथ जो है वो कांप रहे थे एक क्षम अगर कुछ क्षण विलंब भी हो गया तो वह छबड़ी जो है वो टोकरी जो है वो छूट कर गिर पड़ने की संभावना थी हाथ से गिर पड़ता था इसलिए वह जल्दी से बाहर निकल जाना चाहते थे सहसा भोला ने छबड़ी उनके हाथ से छीन ली ट्योरियाँ बदल कर बोला सेंत का माल नहीं है जो लुटाने चले हो छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं तब दाना घर में आता है यानी कि तभी क्या हो जाती है जब टोकरी को उंगलियों से ऐसे पकड़ के वो ले के ही जा रहा था तभी सहसा क्या हो जाती है जल्दी जल्दी ही जा रहा था जाके दे दे के, -के। लेकिन तभी क्या हो जाती है भोला आ जाता है और उसके हाथ से उस छबड़ी को छीन लेता है और गुस्से से कहता है त्योरियों को बदलते हुए त्योरिया यानी के क्रोध से भवें चढ़ाकर कर गंटू हाकी सीटी निंदा नोड़ो दो इस तरह से त्योरियों को बदलकर क्रोध से भवें चढ़ाते हुए भोला कहता है कि सेंत का माल नहीं है यानी कि किसी के मुफ्त मुफ्त का माल नहीं है ऐसे लुटाने के लिए चले हो क्योंकि घर में जो अनाज रखा हुआ है उसको मैंने छाती फाड़ फाड़ कर काम किया है इसलिए दाना जो है घर में आए हैं नहीं तो नहीं आते इस तरह से तुम घर का जो दाना दे रहे हो वो कोई मुफ्त का माल नहीं है कह के अपने पिता सुजान से वो कह देता है तो सुजान ने खिसिया कर कहा कि मैं भी तो बैठा नहीं रहता भोला कहता है भीख भीख की तरह दी जाती है लुटाई नहीं जाती हम तो एक बेला खाकर दिन काटते हैं कि पति पानी बना रहे और तुम्हें लुटाने की सूजी है तुम्हें क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है पति पानी बना यानी कि सम्मान बढ़ा रहे तो सुजान सुजान की इस तरह के व्यवहार को देखकर भोला कहता है कि भीख को भीख की तरह देनी चाहिए इस तरह से लुटाई नहीं लुट यानी कि लुटाना नहीं है यानी कि किसी का मुफ्त का माल मिला है तो किस तो क्या करते हैं मुफ्त में है कहने के बाद ज़्यादा लेते हैं तो इस तरह से कोई मुफ्त का माल नहीं है इस तरह से लुटाया जा रहा है लुटाया जाए तो हम भी तो एक बेला खाकर बेला यानी कि एक एक कटोरी एक रोटी एक कटोरी साग इस तरह से एक ही रोटी खा के हम दिन काट लेते हैं और तुम्हें इस तरह से लुटाने की सूझी है तुम तो घर को लुटाने पर रहे हो और हमारा घर का सम्मान जो है वो बनाए रहे इसलिए हम जितना हो सकता है उतना ही खाकर एक रोटी है तो एक ही रोटी खाकर हम रह लेते हैं लेकिन तुम आज इस तरह से भिक्षु को देने के लिए लौटाने पर चले हो कह के, के भोला जो है अपने पिता से सुजान से कह देता है तुम्हें क्या मालूम कि घर में भी क्या क्या हो रहा है सुजान ने इसका कोई जवाब न दिया बाहर आकर भिकारी से कह दिया बाबा इस समय जाओ किसी का हाथ खाली नहीं है और पेड़ के नीचे बैठकर विचार में मग्न हो गया तो इस बात को कहने के बाद वो भिक्षा नहीं देता है क्योंकि उसके हाथ से भोला क्या करता है उस टोकरी को छीन लेता है तो छीनने के बाद सुजान जाके उस भिक्षुक से कहता है कि अब तुम्हें भिखारी से कहता है कि बाबा इस समय तुम चले जाओ क्योंकि किसी के हाथ खाली नहीं है सभी काम में जुड़े हुए हैं किसी के हाथ खाली नहीं है इस तरह से कह के वो क्या करता है पेड़ के नीचे जाके बैठ कर बैठ कर विचार में मग्न हो जाता है यानी कि विचार करने लगता है आपने ही सॉरी अपने ही घर में उसका यह अनादर अभी यह अपाहिज नहीं है हाथ पांव थके नहीं हैं घर का कुछ न कुछ काम करता ही रहता है उस पर यह अनादर उसी ने घर बनाया यह सारी विभूति उसी के श्रम का फल है पर अब इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं है नहीं रहा अब वह द्वारका कुत्ता है पड़ा रहे और घर वाले जो रूखे सूखे दे दे वह खाकर पेट भर लिया करे ऐसे जीवन को अधिकार है सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता तो सुजान पेड़ के नीचे जाके बैठ के सोचने लगता है अब वह यह सोचने लगता है कि अपने ही घर में उसका अनादर हो रहा है यानी कि अपने ही घर में उसका सम्मान नहीं है अपने ही बेटे उसको सम्मान नहीं देते हैं अभी वो अपाहिज नहीं बना है उसका हाथ पैर कुछ थके नहीं है यानी कि कोई काम नहीं कर सकता ऐसा कुछ नहीं है वो काम करने में सशक्त है अपाहिज नहीं हुआ है जैसे कि कोई काम ही ना करे तो घर का कुछ काम तो करते ही रहते हैं उस पर यह अनादर इतना काम करने के बावजूद भी उसको इस तरह से घर वाले अनादर कर रहे हैं ये जो घर की सारी बनी बनाई हुई गृहस्थी जो है उसी ने बनाई थी यानी कि सुजान ने ही बनाई थी यह सारी विभूति उसी का श्रम का फल है यानी कि अब जो घर में सम्मान है समाज में सम्मान है अब जो घर में जो दाना आके गिर रहे हैं या तो जो उनकी गृहस्थी जो है वो सारा का सारा श्रेय किसको जाता है सुजान को ही जाता है क्योंकि उसी ने उसी ने क्या किया था कि गांव में पक्का कुआ बनवा के पानी की सिंचाई शुरू की और जो भी दाना छटता तो वो निकल के आ जाते इस तरह से उसने सारी विभूति उसी की सारी विभूति का श्रम का फल आज ये भुगत रहे हैं फल आज खा रहे हैं पर अब इस घर पर उसका कोई अधिकार ही नहीं रहा है सभी अधिकार बोला और बुलाकी की चल रही है तो इस तरह से अपने ही अधिकार अपने ही घर में उसका अधिकार नहीं रहा अब वह द्वार का कुत्ता बना रहे पड़ा रहे जो रुके सूखे डाल डालने के बाद जो देते हैं रूखा सूखा उसे खाकर पेट भर लिया करें तो ऐसे जीवन को धिक्कार है सुजान इस तरह के घर में नहीं रुक सकता कह के वो क्या करता है सोचने लगता है तो संध्या हो गई भोला का छोटा भाई शंकर नारियल भर कर लाया सुजान ने नारियल दीवार से टिका कर रख दिया धीरे धीरे तंबाकू जल गए जल गया जरा देर में भोला ने द्वार पर चारपाई डाल दी सुजान पेड़ के नीचे से न उठा तो उसी तरह क्या हो जाती है संध्या हो जाती है संध्या यानी कि शाम का वक्त हो जाता है भोला भोला का छोटा भाई जो है शंकर शंकर क्या करता है नारियल भर कर लाता है तो सुजान वो क्या करता है नारियल को दीवार पर टिका कर रख देता है यानी कि दीवार को लगा के रख देता है और धीरे धीरे भी जल जाती है और ज़रा देर होने के बाद भोला क्या करता है अपने पिता को बैठने के लिए चारपाई डाल देता है लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी पेड़ के नीचे से सुजान नहीं उठ रहा है वो पेड़ के नीचे ही वहीं पे बैठा हुआ नजर आ रहा है तो छात्रों अब इतना इतना तो हो गया यानी अब वो गुस्से में है और सुजान जाके पेड़ के नीचे बैठ चुका है तो इसके बाद वो बुलाकी के साथ झगड़ा करता है तो अगला अगले क्लास में हम देख लेंगे तो इस तरह से संध्या के संध्या होने के बाद भोला का छोटा भाई शंकर नारियल लेके आता है सुजान उसे सॉरी सुजान ने सा नारियल दीवार से टिका कर रख देता है और धीरे धीरे तंबाकू भी जल जाते हैं जरा देर में भोला ने द्वार पर चारपाई डाल दी चारपाई डालने के बावजूद भी सुजान पेड़ पेड़ के नीचे से नहीं उठता है तो कुछ देर और गुजर जाती है और भोजन तैयार हुआ भोला बुलाने आया सुजान ने कहा भूख नहीं है बहुत मनमाव मनावन करने पर भी न उठा तब बुलाकी ने आकर कहा खाना खाने क्यों नहीं चलते जी तो अच्छा है कुछ देर और गुजर जाती है यानी कि कुछ समय और निकल जाती है भोजन भी पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो तैयार होने के बाद भोला अपने पिता को यानी कि सुजान को बुलाने के लिए चला जाता है लेकिन वो सुजान जो है वो कुछ कहता नहीं है सुजान कहता है कि भूख नहीं है मुझे भूख नहीं है उसे इस बात का यानी कि उसके मन में अभी क्या है गुस्सा है दोनों के प्रति अपने बेटे भोला के प्रति भी और अपनी बीवी जो है बुलाकी के प्रति भी उसके मन में अभी क्रोध की भावना है तो उस भावना की वजह से वो क्या करता है भूख नहीं है कह के कह देता है क्योंकि उस इससे पहले हमने देखा है कि पेड़ के नीचे जाके बैठ के वो सोचने लगता है कि अब मैं इस घर का स्वामी नहीं यानी कि इस घर घर में कोई अधिकार नहीं है मेरा यहाँ कुछ नहीं चलता है अब मैं खुद द्वार का कुत्ता बन चुका हूँ यानी कि जिस तरह से कुत्ते रुक के सूखे डालने पर खाते खा ले खा कर अपना पेट पालते हैं तो उसी तरह से मैं भी मुझे भी करना पड़ेगा क्या इस तरह से वो सोचता है तो इस तरह की जीवन को धुक्का धिक्कारता है तो ऐसी सोच उसके मन में है तो वो क्या कहता है कि मुझे भूख नहीं है इस तरह से साफ साफ कहता है तो बुलाकी भी आ जाती है आकर कहती है कि खाना खाने क्यों नहीं चलते तुम्हारा जी अच्छा है क्या जी यानी कि तुम्हारा मन अच्छा है क्या या बुखार आई है क्या इस तरह से तुम्हारा जी अच्छा है क्या उससे पूछ लेती है तो आज के लिए इतना ही बाकी का जो है कल के अगले क्लास में देख लेंगे नमस्कार छात्रों